वेलकम फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अर्थक्वेक लोड पैटर्न डिफाइन किया। अब हम इस वीडियो में विंड लोड पैटर्न डिफाइन करेंगे। विंड लोड में भी अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन हमें डिफाइन करना है। डब्ल्यू एल मतलब विंड लोड अलोंग एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है टाइप विंड, और यहाँ पे आई एस कोड सिलेक्ट करना है आई एस 875/2015। यहाँ पे और एक आई एस कोड दिया गया है आई एस 875/1987। ये ओल्ड वर्जन है और ये न्यू वर्जन है, तो ये न्यू वर्जन सिलेक्ट करना है आई एस 875/2015 और एड न्यू लोड। उसके बाद अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ये सेम रहेगा एड न्यू लोड। अभी यहाँ पे ये लोड हमें मॉडिफाई करना है। इस लोड में जो है दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सपोजर फ्रॉम शेल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ डायाफ्राम। तो विंड लोड जो है डायाफ्राम से हमें एक्सपोज करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ डायाफ्राम। और ये जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ और सारे पैरामीटर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि ये और ये। इसमें से अभी क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले अभी ये देख लेते हैं। विंड स्पीड यानी कि बेसिक विंड स्पीड वी बी मीटर पर सेकंड दिया गया है। अभी ये अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग विंड स्पीड रहेगा, उसके लिए जो है बेसिक विंड स्पीड फॉर नासिक सिटी 39 मीटर पर सेकंड। ये कहाँ से लिया है मैंने, ये लिया है पेज नंबर 6 के ऊपर एक मैप है और एनेक्चर ए जो कि पेज नंबर 51 में है। ये देखो पेज नंबर 51 पे एनेक्चर ए है, यहाँ पे कुछ सिटीज दिए गए हैं, जो आपका सिटी है वो देख लेना। फिलहाल अभी मैं नासिक का ले रहा हूँ, तो 39 मीटर पर सेकंड ये है विंड स्पीड, यहाँ पे मैंने 39 डाल दिया। अभी टेरेन कैटेगरी में 1, 2, 3, 4, तो ये टेरेन कैटेगरी हमें कहाँ पे मिलेगी, ये है टेरेन कैटेगरी K2 बोलते हैं उसको, तो ये 2 लिया गया है। ये है क्लॉज 6.3.2.1, ये है पेज नंबर 5 के ऊपर, तो हम चलते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। ये है, तो ये यहाँ पे टेरेन कैटेगरी दी गई है, एक्सपोज ओपन टेरेस विथ फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन विच द एवरेज हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर। ये अलोंग द हाइट जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट जो है हमारी जो कंसर्न साइट है उसके सराउंडिंग जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के हिसाब से ये कैटेगरी दी गई है। तो ये ए बी सी डी आप ये कैटेगरी चार कैटेगरी है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। अभी मैं फिलहाल लेता हूँ, जैसे मैं मान के चलता हूँ मेरे जो बिल्डिंग है उसके सराउंडिंग 1.5 मीटर से लेकर 10 मीटर हाइट तक जो है सराउंडिंग स्ट्रक्चर लोकेट है, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ, तो कैटेगरी 2 में आता है मेरा, तो इसलिए मैंने कैटेगरी 2 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंस फैक्टर है, तो ये इम्पोर्टेंस फैक्टर है जिसको K4 बोलते हैं, वो 1 लिया गया है, वो लिया गया है पेज नंबर 8 और 9 से 634 क्लॉज 8-9 से। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस फैक्टर है K4, तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये देखो 3 टाइप में दिया है,
1.3, 1.15 और 1। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे साइक्लोनिक जो रीजन है इंडिया में, उसके लिए 1.3, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके लिए 1.15 और ऑल अदर स्ट्रक्चर के लिए 1। तो ये हमारा थर्ड कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया है ना, इसमें 1 सिलेक्ट किया है। रिस्क कोएफिशिएंट जो है K1 फैक्टर, रिस्क कोएफिशिएंट भी 1 ही है, ये रिस्क कोएफिशिएंट या फिर उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो ये 1 है, टेबल 1 पेज नंबर 7। ये यहाँ पे रिस्क कोएफिशिएंट है टेबल 1 पे। तो ऑल जनरल बिल्डिंग्स, हमारा जनरल बिल्डिंग में आता है जिसकी जो मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ जो है उसका है 50 ईयर्स। तो यहाँ पे ये अलग अलग बेसिक विंड स्पीड दिए गए हैं, जैसा कि हमारा अभी 39 मीटर पर सेकंड में आता है, तो हमारे लिए ये 1 जो है वो होगा हमारा रिस्क कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मैंने ये 1 लिया है, रिस्क कोएफिशिएंट सॉरी। अभी टोपोग्राफी फैक्टर K3, ये है टोपोग्राफी फैक्टर K3, ये लिया गया है पेज नंबर 8 में से, क्लॉज 633। ये यहाँ पे टोपोग्राफी फैक्टर 633, ये भी जो है टोपोग्राफी फैक्टर जो है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट डाला है कि जनरली वैल्यू इज टेकन एज 1। और जो है ये अगर कोई जो साइट है उसका अपविंड स्लोप जो है वो मोर देन 3 डिग्री है, तो मोर देन 3 डिग्री, 3 डिग्री के लिए 1 से लेके 1.36 तक जो है ये फैक्टर लिया जाता है। बट हमारा जो है, हमें कंसिडर ऐसा करना है कि 1 है हमारा, यानी कि जो अपविंड स्लोप जो है थीटा वो 3 डिग्री से कम है, तो उसके लिए 1 है, टोपोग्राफी फैक्टर 1। अब यहाँ पे एक्सपोजर हाइट जो है वो टॉप स्टोरी से लेके बॉटम स्टोरी तक, बेस से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे इंक्लूड पैरापेट करना है, अगर करना है तो टिक देना है, और पैरापेट का जस्ट हाइट आपने उसमें डालना है। अभी मैं पैरापेट का हाइट डालता हूँ 1.05 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अलोंग द एक्स डायरेक्शन डिफाइन हो गया। अभी जो है यहाँ पे भी मैं सेम ही डाल देता हूँ, ओके। अभी हमारा सिर्फ एक जो फैक्टर है वो ये है जो कि हमें डिफाइन करना है, उसके लिए स्पेशली एक वीडियो लेना पड़ेगा, वो अगले वीडियो में देखते हैं।